जुमानी की जुबानी, जुमानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्जवल। नंबर्स के मैजिक श्री गणेश। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। वल्ला हबीबी और हबीबती, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत जुमानी की जुबानी के इस स्पेशल एपिसोड में। वैसे स्पेशल तो हर महीना होता है, पर इस महीने की खास बात तो आप जानते हैं, हम आए हैं दुबई में शेख चिल्ली से शेख बनने। पर आप सोच रहे होंगे कि हम किसी शेख को मिलने आए हैं, वैसे तो वो भी वीडियो कॉल पर ही मिलते हैं हमें आप ही की तरह। पर हम जिन्हें मिलने आए हैं वो कोई शेख नहीं है, पर शेख से कम भी नहीं। मेरी बेटी वैष्णवी जो साइकोलॉजी सीख रही है यहाँ, उसने कहा, पापा साइकोलॉजी करूँगी तो घर का पैसा घर में रहेगा। बट जोक्स अपार्ट, वो अपने स्टडीज़ को हमारे एज ओल्ड साइंस न्यूमरोलॉजी के साथ इन्फ्यूज करके एक ऐसे स्ट्रीम पर रिसर्च कर रही हैं जिसे आप साइको न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। अप्रैल इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो जल्दी बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स ऑसम अप्रैल, बिकॉज टाइम इज मनी। हम आपको बिल्कुल भी अप्रैल फुल नहीं बनाएंगे, लेकिन आप भी हमें अप्रैल फुल मत बनाना बाय जस्ट वॉचिंग सेल्फिशली बट नॉट लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ये करेंगे तो आपकी तरह आपके प्रियजनों को भी नंबर्स का फायदा हो सकता है। यू विल बी वेरी लाउड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस मंथ, बट याद रखो, दुनिया एक रग्बी या फुटबॉल फील्ड नहीं है जहां आपको लोगों को टैकल करके गिराना पड़े, क्योंकि मौका मिलते ही यही लोग आपको भी टैकल कर सकते हैं। सो लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, और साफ शब्दों में गधे को बाप बनाना सीखो। इस महीने के फायरी पोजिशनिंग की वजह से आप थोड़े अनइमोशनल और कम एक्सप्रेसिव होंगे इस वक्त, और थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, तो इस क्षेत्र में थोड़े लेयर्स बढ़ाओ। वर्क वाइज आप नई ऊर्जा और जोश के साथ मार्च से अप्रैल महीने तक मार्च करेंगे। हालांकि फ्लिप साइड ये है कि आप एनर्जी को गुस्से में तब्दील करते नज़र आ रहे हो, तो अपने टेम्पर को काबू में लाने का प्रयास करें इस महीने। और तो और, लगातार इम्पल्सिव निर्णय लेने से आप थोड़े ऑफ ट्रैक हो सकते हो, जिसमें नुकसान आप ही का है। फाइनेंशियली ये बड़े रिस्क और गैम्बल्स लेने का सही वक्त नहीं, और ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फिलहाल कारपेट के नीचे छुपाइए। सही समय आने पर अनलीश योरसेल्फ। ये समय इमीडिएट फाइनेंशियल गेन्स के लिए लाभदायक नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स करना है तो अपने नॉलेज को शार्पन करने में लगाओ। लर्न अ स्किल और टू, जैसे सोशल मीडिया में टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग वगैरह। द सन इज इन इज फुल ग्लोरी, सो ऑल यू हैव टू डू इज गो आउट एंड एक्सपीरियंस द ग्लो। अ लिटिल मोर ऑफ द आउटडोर एक्टिविटीज मे हेल्प रिवाइटलाइज द पेंट अप एनर्जी। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ओर अनफेयर है या साजिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे। गलत फहमियों से लॉन्ग टर्म रिलेशन बिगड़ सकते हैं, जिन्हें अक्सर बहुत समय लगता है ठीक होने में। शक का कोई इलाज नहीं है। फेलो नंबर टू के राजेश खन्ना का मंत्र याद रखना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते हैं, आपकी कसम। तो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और कह दो, भैया ऑल इज वेल। आप चांद के गवर्न लोगों में से जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनकी तो चांदी है इस महीने। ये महीना थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि एरीज को रूल करने वाले प्लैनेट मार्स या मंगल आपको एनर्जी दिलाते हैं, तो आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की संभावना काफ़ी है इस समय। इसके चलते आप कम इमोशनल और ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे इस महीने, विच शुड बी योर लाइफ मंत्र। इससे एडवांटेज कहो या डिसएडवांटेज, मेरी राय में तो ये एडवांटेज ही है, क्योंकि आप जनरली तो इमोशनल होते ही हो। कभी कभी अपने मन को शांति देकर तन को जगाना भी ज़रूरी है।
सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल यानी टॉरियन पीरियड, फिर नंबर टू मून से पार्शियली गवर्न्ड है अलॉन्ग विथ नंबर सिक्स वीनस। सो फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल को चैनलाइज कीजिए जॉगिंग में और सेकेंड हाफ में रनिंग करके फिनिश लाइन तक पहुंचिएगा। ये महीना आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंसी की क्वालिटीज देगा, जिसे आपको इस महीने ही नहीं बल्कि लाइफ के मंत्र को समझ के चलना है। आप दूसरों के लिए ज़्यादा लकी हैं, ना कि दूसरे आपके लिए, तो इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस अपने नाम पे ही कीजिए। फेलो नंबर थ्री आदित्य चोपड़ा याद आते हैं, जिन्होंने अपने मेंटर और ग्रेट फादर यश चोपड़ा जी को सबसे अहम सजेशन दी थी टू नॉट पार्टनर विद अदर्स, जो उन्होंने DDLJ से फॉलो करना शुरू किया बाय गोइंग सोलो। जस्ट इमेजिन, DDLJ के प्रॉफिट्स को दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करना होता तो आज यशराज फिल्म्स यहाँ नहीं होती। इट इज़ अ पॉजिटिव पीरियड टू मेक बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑल द मेडिसिन इन द वर्ल्ड कैन नॉट मैच द पावर ऑफ नेचर्स वंडरफुल क्योर। सो चिल, आई मीन बास्क इन नेचर्स ग्लोरी। इस महीने की अच्छी बात यह है कि एम्बिशियस होने के साथ साथ आप एडवेंचरस भी लगोगे, लेकिन याद रहे एडवेंचरस मूड में लव्ड वंस को मत भूलना। कॉन्शियसली ही सही, अपने फैमिली के साथ एक आध आउटिंग या वीकेंड गेटअवे के लिए कम से कम टाइम जरूर स्पेयर कीजिए। हेल्थ वाइज, आईज और नेक स्ट्रेन से बचिए इस महीने, क्योंकि आप ओवरवर्क करते नजर आ रहे हैं इस महीने। सो ये वीडियो कंप्लीट होते ही अपने आप को दूर रखिए मोबाइल फोन्स और गैजेट से। एक तेज महीना नजर आ रहा है, तो खुद को रीलोड करके गो ऑल आउट फायरिंग। बीते हुए अनप्रोडक्टिव समय का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त की घड़ी आपके हाथ में है, तो इस महीने आपके फोकस और एनर्जी लेवल्स दोनों बढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जीलियस, डिसिप्लिन्ड और बिजी भी होंगे इस वक्त। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इज बेस्ट ओनली व्हेन इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी। आपके रेगुलर वर्क रूटीन के अलावा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, उसे स्वीकार करने का ये सही समय है, इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड डीलिंग द चांस। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा ज़िद्दी और इनफ्लेक्सिबल होंगे। आपका प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी चोटी पर होगा, सो इमोशनली आप दूसरों के लिए लेस अवेलेबल होंगे, तो अपने बिल से बाहर निकलकर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं। दिस मंथ कुड मार्क एज द ऑनसेट ऑफ बेटर हेल्थ थ्रू फिटनेस और एटलीस्ट बिगिन टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। और अल्टरनेट रेमेडीज भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अ हैप्पी माइंड इज अ हैप्पी बॉडी, तो माइंड रिलेटेड इश्यूज, ओवरथिंकिंग एंड टेंपर पर कंट्रोल हासिल करिए, फिर सब कुछ अपने आप ही ट्रैक पर आ जाएगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो तो वो खर्चे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। अप्रैल के पहले तीन हफ्ते आपको रूटीन लगेंगे, शायद बिलो एवरेज भी हो, तो सब्र करो 21 अप्रैल के बाद वाले समय का, विच कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज और टू, फॉलोड बाय एन इवन बेटर जून। फोकस करो टारगेट्स कंप्लीट करने पर, किस्मत कुछ समय बाद आपको सहकार करने में मदद करेगी। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, दोनों का योगदान जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस के लिए समय सही नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जिंदगी पड़ी है और बड़ी है। ट्रैवल एंड लेजर का योग भी दिख रहा है, एज वेल एज स्पेंडिंग सम नाइस मोमेंट्स विद लव्ड वंस आफ्टर 3 or 4 weeks। तब तक फाइनेंसिस को रिजर्व करें, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म एक सस्ता शौक नहीं रहा। हम भी कुछ पापड़ बेलने के बगैर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। वी हैव अर्न द ट्रिप। माइनर हेल्थ केयर्स कैन कीप यू ऑन योर टोज। अवॉइड रैश ड्राइविंग नाउ एंड ऑलवेज। पहले तीन हफ्ते क्रीज पर टिके रहें, टेकिंग सिंगल्स टूज एंड एन ऑड बाउंड्री टू, और लक्ष्य में रखें 21 अप्रैल के बाद के समय पर, जहाँ आप ऑल आउट जा सकते हैं फ्रंट फुट पर छक्के पे छक्का लगाने। अप्रैल के तीन हफ्ते हैं मंगल के गवर्न, जो आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास दिलाते हैं। फिर आपका टॉरस पीरियड यानी कि वृषभ राशि के स्वामी है 6 नंबर शुक्र या वीनस योर रूलर टू। आप अपने आप को जरूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक पाएंगे, तो सही दिशा देने से आप अपने कार्य को कॉन्फिडेंटली निभाएंगे। नेटवर्किंग पे फोकस करें, अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाएं और विद्वान लोगों को भी फॉलो करें, जिनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है हम सबको। लेकिन कमर्शियल्स में इतने मगन मत हो जाना कि हेल्थ को इग्नोर कर लो। फिजिकल वेलबींग पे उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा आपको, जो वेल्थ के वेलबींग को देते हो। सोशली आप नंबर 6 के रणवीर सिंह की तरह सबके नज़र में आओगे। आप इस महीने काफ़ी बिजी होंगे ड्यू टू वर्क प्रेशर या पिछले इनकम्प्लीट कार्यों की वजह से, इसलिए आपके पास फालतू समय जाया करने का समय नहीं होगा, तो इसे भाग्य की बात ही समझिए। आपके फाइनेंसेस कट टू कट चलेंगे इस वक्त, तो सही रेशनिंग जरूरी है। पर एक एस्पेक्ट है जहां आपको फोकस करना चाहिए,
अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो या बैंक बैलेंस कम हो तो ओवर स्पेंडिंग ऑन हॉबीज को कुछ समय बैक सीट दीजिए। कर्टेल योर करंट एक्सपेंसेस सो योर पास्ट सेविंग्स कैन फंड योर फ्यूचर हॉबीज। मानसिक रूप में आपका मन एक पेंडुलम की तरह दोनों दिशाओं में घूम सकता है। फिजूल के विवादों में इस वजह से आप पढ़ सकते हो। इसे अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपने ईगो पे कंट्रोल रखते हो। माहौल ठंडे से गर्म और गर्म से फिर ठंडा होने की संभावना है, तो तैयार रहें मुंबई या लंदन की धूप और बारिश की तरह अनप्रिडिक्टेबल महीने के लिए। राहत की बात यह है कि 2023 से आया 7 आप ही का जोड़। मेंटली एंड फिजिकली यू आर लाइकली टू फील मोर एनर्जेटिक विच वुड सब्सिक्वेंटली हेल्प यू मेंटेन बेटर हेल्थ। आप सिर्फ खुद से रहना पसंद करेंगे और ब्रीदिंग स्पेस की तलाश में रह सकते हैं, क्योंकि आप हर वक्त किसी ना किसी अनवांटेड व्यक्ति से सराउंड हो सकते हो एंड दिस कैन फ्रस्ट्रेट यू। पर इमेजिन करो अगर यही लोग आपकी ज़िंदगी में ना हो तो कितना अकेलापन महसूस होता। इसी के चलते आप एक ऐसे मोड पर आ जाएंगे इस महीने जहां आपके और आपके प्रियजनों के विचारों में तालमेल नहीं होगी, और वो होगा तो आपकी रिजिडिटी की ही वजह से। एक नई शुरुआत कीजिए, दूसरों के क्रिटिसिज्म को वैल्यूबल समझकर लर्न एंड वर्क ऑन योर फ्लॉज एंड ग्रो। इस महीने काम को इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि आपकी सेहत पर इसका बुरा नतीजा हो। एक कठिन शुरुआत का मतलब अंत भी कठिन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि 21 अप्रैल के बाद के 2 महीने का इंतज़ार कीजिए जब आप खुद को एक अलग स्थिति में पाओगे विच विल बी मोर पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। कोई भी इन्वेस्टमेंट या नए प्रोजेक्ट को कम से कम 3 हफ्ते टाल सको तो बेहतर होगा। तब तक का समय प्लानिंग में खर्च कीजिए और कोई नए टैलेंट को हासिल करने में। मेहनत करोगे तो अगले 2 महीने पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। एक सरप्राइज आ सकते हैं एक या अधिक मित्र के रूप में जो आपके मूड को चेयर अप करेंगे। यू रिलिश द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड एडवेंचरस पीपल लाइक यू। ये आपको लेजी बनने का समय नहीं देंगे, जो आपके नेचर के लिए खुशी की बात है। एज यू यूजुअली लाइक एक्शन एंड एडवेंचर बीइंग अ मार्स गवर्न्ड नंबर 9, बट पार्टी अपने जगह है और काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सफर होने नहीं देना है, ये आप यूजुअली जानते और मानते भी हो, क्योंकि इस घड़ी का फ़ायदा बिल्कुल उठाना है। बिल्कुल वैसे जैसे क्रिकेट में पावर प्ले का इंतज़ार करते हैं बैट्समैन, जब केवल 2 फील्डर्स ही 30-yard सर्किल के बाहर अलाउड होते हैं। हेल्थ के विषय में अगर आपने न्यू ईयर में कोई रेजोल्यूशन किया हो तो ये सही समय है उसे शुरू करने का, इवन इफ़ यू आर 3 मंथ्स लेट। और अब आते हैं मेरे बेटे के स्पेशल सेगमेंट में टॉपिकल तड़का, जहां वो आपको टिप देंगे, टिप ऑफ द मंथ ही नहीं, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली टिप। एंड ही विल टॉक अबाउट फ्यू सेलिब्रिटी बर्थडेट्स जिनके नंबर से आप समझ सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ा। शायद यही नंबर्स आपके लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि नंबर्स आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस। हेलो नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीश अजमानी ऑल द वे फ्रॉम दिलबरों का दुबई। इस सेगमेंट में मैं आपको नंबर्स की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रेड्स बताने आया हूं सेलिब्रिटी बर्थडेज की न्यूमरो एनालिसिस करके। शुरू करते हैं उनसे जिन्होंने एक्टिंग की। आप समझ गए किन की बात कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू द गोलमाल के बादशाह अजय देवगन। नंबर 2 होने के नाते एंटरटेनमेंट और स्टारडम के क्वालिटीज उनमें भर भर के है। और तो और एरिन रूलर नंबर 9 उन्हें उस ऊर्जा से वाकिफ कराते हैं जिससे सिंगम और तानाजी जैसी एक्शन पैक फिल्मों में उनकी सहायता की है। तानाजी जिसका जोड़ नंबर 9 पर आता है अजय देवगन के फैमिली ऑफ नंबर्स में से है, जिसके कारण रिलीज से पहले ही हमने उनकी सक्सेस का संकेत दिया था। डिड यू नोटिस द एच इन तानाजी? इनफैक्ट दृश्यम 2 के पहले भी हमने कहा था दैट इट विल बी अ बिगर हिट देन इट्स प्रीडेसेसर दृश्यम 1, और वैसा ही कुछ हुआ। दृश्यम 2 जो बेटर नंबर पर आती है, लगभग डबल कलेक्शंस की है उस मूवी ने। हमारी अगली प्रेडिक्शन ये है कि दृश्यम 3 2 से बेटर करेगी, क्योंकि उसका नंबर बेटर फॉर्म पर आता है। अजय देवगन तकरीबन 30 साल से अपने इंडस्ट्री में जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन 500 करोड़ क्लब में उनकी एंट्री सिर्फ स्पेलिंग चेंज के बाद हुई, मेरे फादर संजय बिजवानी के कहने पर। देवगन में उन्होंने एक को गन से उड़ा दिया। उसके बाद अतिथि तुम कब जाओगे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई विद अ डबल ए, ऑल द बेस्ट, राजनीति, गोलमाल, सिंगम, तानाजी और दृश्यम जैसी ढेर सारी ब्लॉकबस्टर्स दी उन्होंने।
He is now entering his 55th year, which totals to his favorable number one son, that stands for leadership. In 2023, jo unka lucky year hai, which adds to 7. Uske jald baad, he'll be in his 56th year, which is also from his family of numbers, number 2. अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और माइकल जैक्सन जैसे मशहूर नामों को सुनकर तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि नंबर 2 ही फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 है। हैप्पी बर्थडे टू द करिश्मेटिक कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। बॉर्न ऑन द 2nd of April 1981, नॉट ओनली इज ही रूल्ड बाय नंबर 2 मून, अ क्रिएटिव नंबर, बट इज डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो नंबर 7, विच इज ट्विन टू नंबर 2। और ये साल भी 2023 है जो उन्हीं का साल है, विच एड्स टू 7। मेरे फादर ने उनके लिए एक लाजवाब 38th ईयर यानी 3 + 8 = 2 प्रिडिक्ट किया था जब उन्होंने अपने शो पर कम बैक किया और उसी साल शादी भी की 2018 में, विच ऑल्सो एड्स टू 2। और अब वो अपने 43rd ईयर में यानी नंबर 7 के साल में एंटर कर रहे हैं, वो भी 2023 में, विच एड्स टू 7 अगेन। ये तो बच्चा बच्चा प्रिडिक्ट कर लेगा कि उनका साल कैसा होगा। बिल्कुल बिग बी अजय देवगन और SRK की तरह कपिल भी एक नंबर 2 है जो टीवी पर नंबर 1 रहे हैं। कपिल एक एरियन भी है और मार्स का फ्लिप साइड ये है कि वो इंसान को क्रोधित और खफा बनाता है। यही नहीं, लेकिन कपिल शर्मा के नाम के जोड़ से भी 31 आता है यानी नंबर 4, जिसका मतलब दूसरों से अलग होना है। इन्हीं वजह से उनकी अपने कोवर्कर्स के साथ नहीं जमती अनफॉर्चुनेटली। हमारी सलाह यह है कि वो अपने नाम के बीच में कुमार लगाए, जैसे उनके फादर जितेंद्र कुमार लगाते हैं, और कपिल कुमार शर्मा करें ताकि उनका नाम उनके फायदेमंद नंबर 1 पर आए। यू आर समवन हु इज सिनोनिमस टू इंडिया एंड इट्स ग्रोथ स्टोरी, द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज मेंटेन्ड हिज पोजीशन एज द कंट्रीज रिचेस्ट फॉर द 13 कंसेक्यूटिव इयर्स। यू आर विशिंग मुकेश अंबानी सर अ वेरी हैप्पी 66th बर्थडे। माई फादर हैड प्रेडिक्टेड अ वेरी लकी 63rd ईयर फॉर हिम, बिकॉज 63 से आया नंबर 9 मास जो एरीज रूलर है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने एक और IPL ट्रॉफी उठा ली। Soon after that, my father also predicted a very lucky 64th year on our social media, because 64 adds to number 1 son, that is also his prime number. इस social media post के बाद Reliance के share prices इसी fountain की तरह उड़ते गए। Aries and Scorpio ruler is number 9 mass, और सारे Ambanis Aries and Scorpio से governed है। इसलिए out of a dozen brands, my father chose Jio as the brand to do well for them, that adds to 9 too. और Jio was the savior for the Ambanis in the oil crisis as well as the pandemic. Happy birthday to Anant Ambani, who was born on the 9th of April. Unki hone wali wife Radhika Merchant is also number 9, as she is born on the 18th of December. They are fellow fire signs too, because 18 December se Sagittarian aata hai aur 9th April se Aries ruler. Wishing them a very happy and successful married life. Ab main us vyakti ke bare mein baat karne ja raha hu jise aadhi se zyada duniya vyakti hi nahi balki bhagwan ke saman manti hai. Ji ha, aapne sahi socha. We belong to a country where cricket is considered a religion, and this man is God. He is a symbol of hard work and determination, a powerhouse that has given hope and courage to millions of hearts. Happy birthday to the one and only Sachin Tendulkar. 24th April 1973 born, Sachin 6 se 2 guna zyada dhanya hai kyunki Taurus ruler bhi number 6 hai aur to aur unka destiny number 3 hai. Iska matlab to aap jante hoge that there couldn't be a better field for this master blaster than the field of sport. इनका नंबर 6 से लंबा लगन है। उन्होंने क्रिकेट फील्ड पर पहली बार 15 नवंबर को यानी 6 नंबर के दिन पर कदम उठाया था। और तो और वो अपने नेशनल टीम के कैप्टन अपने 24th ईयर में बने थे, विच एड्स टू 6 अगेन। सचिन पूरी दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी मारा था, वो भी अपने लकी डेट पर यानी 24th February 2010। उनका फेवरेट शॉट गेस करना आसान होना चाहिए, 6। मजे की बात तो ये है कि सचिन के बेटे के नंबर भी उनकी तरह ही बिल्कुल समान है। Born on the 24th of September, budding bowler Arjun is also doubly governed by number 6, as Libra ruler is 6-2. Moreover, Sachin's daughter Sara, born on October 12th, is also number 3 and Librin 2. Sachin Tendulkar aur Virat Kohli ke beech mein jo saman hai, wo hai ki dono cricket ke mahapurushon ke naam number 5 par judkar aate hai, jo ki raftaar aur junoon se sambandhit hai. It is no wonder that both have achieved innumerable records faster than anyone in the current crop of cricketers. Sachin just scored a half century in life and is now entering his lucky 51st year. So here's hoping for another double dhamakedar half century and more for the living legend himself. The one and only Varun Dhawan, another of the April ambassadors and a follower of numerology. He is yet another person in the list of those doubly governed by number 6 Venus. Sharing his birthday with a god like Sachin Tendulkar didn't seem enough when Varun did one extra with a ready-made name totaling to 42, that adds to 6 again. नंबर 6 का दुगना भाव वरुण को इस इंडस्ट्री के सबसे एंटरटेनिंग एक्टर्स में से एक बनाता है। उनकी फिल्मों की सक्सेस रेट तकरीबन 90% रही है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत खूब है। उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जोड़ से भी नंबर 6 आता है, जो कि लिब्रा गवर्न्ड अक्टूबर में रिलीज हुई थी। और तो और, उन्होंने अपनी गर्दन पर 24 नंबर का टैटू भी बनवाया है।
Varun chose 24 January as the date to get naughty. I mean to tie the knot with his wife Natasha. Varun अब अपने 37th year में जा रहे हैं, जो हालांकि उनके लिए एक साधारण नंबर है, लेकिन since 2023 7 पर जुड़कर आता है, तो ये कह सकते हैं कि उनका रनिंग ईयर यानी 37th 1 और ये साल का टोटल नंबर 7 मेल खाते हैं. As 1, 2, 4 and 7 are a family of numbers lucky for each other. इसलिए वरुण के लिए एक डिसेंट साल कहलाया जा सकता है. कैलेंडर का ये दिन उनके नाम, जिन्होंने जुमानिफाइड के शब्द को जन्म दिया, जो हम हर दम हर वक्त यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. हैप्पी बर्थडे टू द डायरेक्टर प्रोड्यूसर आई हैड वर्क्ड विद एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, निखिल अडवाणी सर. जस्ट लाइक द स्कूल ऑफ फिश, आई हैड द प्राउड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल ऑफ फिल्म्स. कट्टी बट्टी और हीरो के स्लंप के बाद मेरे फादर ने निखिल सर को निखिल में एक एक्स्ट्रा के ऐड करने कहा था, जिसके बाद उनका नाम उनकी पहली मूवी और ब्लॉकबस्टर कलो नाउ के नंबर 1 पर लाया गया था. Did you notice the double A in Kalhona Ho? कुछ ही महीनों में airlifted him to another tangent. A few more from his hive of hits include Satyamev Jayate, Batla House, Bazaar, in which I had worked as an assistant director, 2611 Mumbai Diaries, Rocket Boys and many more. Wishing you and MA Entertainment many more such ventures. Happy birthday to my favorite singer, जिनके गाने जिस जगह सुन लो तो उस जगह की ऑरा या एनर्जी सुधर जाती है. अरिजीत के पास म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के दो अनमोल रतन हैं, नंबर 6 वीनस और नंबर 2 मून. क्योंकि टॉरस रूलर नंबर 6 है और नंबर 2 भी टॉरस से गवर्न होता है. और वैसे तो अरिजीत नंबर 7 के हैं, इसलिए 2 का सिमिलर इन्फ्लुएंस भी है उन पर. नंबर 7 एक इमोशनल प्लेन का प्लैनेट है जो उन्हें प्राइमरीली गवर्न करता है. नाउ यू नो वाई वो रोमांटिक म्यूजिक के शहनशाह है. वो अब अपने 37th ईयर में प्रवेश करने जा रहे हैं. 37 से आया नंबर 1 सन, दैट स्टैंड्स फॉर लीडरशिप. दैट्स व्हाई दिस ईयर कैन बी इवेंटफुल फॉर हिम. उसके जल्द बाद वो अपने 38th ईयर में एंटर करेंगे. 38 से आया नंबर 2 मून, जो उनके फैमिली ऑफ नंबर्स में से है. उनका डेस्टिनी नंबर 9 है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास व्हिच स्टैंड्स फॉर एनर्जी. इनफैक्ट हिज नेम अरिजीत सिंह आल्सो टोटल्स टू 27, अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ नंबर 9. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो. इट इज रोहित शर्मा डे. रिमेंबर फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट. अ फीनिक्स रिजन फ्रॉम द एशेस. रोहित इज समवन हु हैज सीन फिनोमिनल ग्रोथ आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस एट आरबीएस. ऑब्वियसली नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिज हार्ड वर्क. ऑन हिज बर्थडे रोहित अ नंबर 3 and 6 डॉनिंग जर्सी 45 दैट एड्स टू 9 on our suggestion was tipped to have a fabulous 33rd year that adds to 6 in 2019 that adds to 3. Indeed, he went all out to prove us right. Within a few weeks after we had made the prediction on his birthday, he picked the 4th IPL trophy for our clients Mumbai Indians and subsequently went on to pick the 5th trophy in the next season itself. The year 33rd we had tipped as a landmark one in advance, and as numbers had it, he scored the most runs as an opener in a calendar year, breaking the maximum records in 2019. Born on the 30th of April 1987, a number 3 ruled by the biggest planet Jupiter, he is also governed by number 6 Venus, the ruler of Taurus, his zodiac sign. He broke the maximum records in his 33rd year. As 3, 6 and 9 are a family of numbers, Rohit in his lucky 33rd year in 2019 was the highest scorer at the ICC World Cup in England with 648 runs from 9 innings at an impressive average of 81. Overall, Rohit scored 700s in 2019, most by any player in that year. Last when someone did that was Sachin Tendulkar, which was 900s in 1998. Rohit Sharma also happens to be the only player in the IPL history to have scored 100, made a hat-trick and won 5 trophies to his kitty. He is already the most successful skipper in the history of IPL. He needn't overtake us any further. This year, he is entering his 37th year, that adds to 1. In 2023, that adds to 7. Even though it's not from his family of numbers, but it is generally auspicious. So, ye thi hamari April ki number wani by Jumani ki zubani. Wish you a happy April and hope you stay just as impatient for our May episode. Good luck, take care, and see you next month.